केवल जमीन लेना उद्देश्य नहीं हो सकता, जमीन किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं यह स्पष्ट रूप से पूछिए आप, और उससे चिन्हित करके पूछिए कि आप किन उद्देश्यों से जमीन लेना चाह रहे हैं, आप कितने जमीन को चिन्हित करना चाह रहे हैं, कभी 15 एकड़, कभी 20 एकड़, कभी 50 एकड़, कभी 400 एकड़, तो आप सबके सबका हटा देंगे क्या, सब मकानों को तोड़ देंगे क्या? आज उन गरीब जनता का क्या होगा जो पूरी गहरी कमाई के साथ यहाँ बसने का काम किए हैं, यहाँ अपने आप को लाने का काम किए हैं? ताज जिन लोगों ने, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बसाने का काम हुआ है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आज जिन लोगों ने आरोपित करने का काम किया है, निश्चित तौर पर चिन्हित करना चाहिए, बताने का काम करना चाहिए। क्योंकि जो 1984 के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 7.5 जो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के देने की बात की गई थी, 2005 में पूरा किया गया, ताकि 11 मामले ऐसा पेंडिंग है। यानी कि अलग अलग प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से बॉन्ड भी देने का काम किया है, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम 3-4 विषय केवल आपके सामने हम आलोकित करना चाहेंगे। 1995 के आधार पर जो एक्ट बना, उस एक्ट के प्रावधान को लेते हुए और जो कानून भी बनने का काम हुआ, दीघा बंदोबस्ती एक्ट के तहत हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही जो कानून बना है, उस कानून के पालन के लिए कहाँ अवरोध आ रहा है? और सरकार के जो ये निर्णय अलग अलग प्रकार से जो हो रहे हैं, तोड़ने का जो काम हो रहा है, मैं आपके माध्यम से, मैं उतरने के, मैं हैदराबाद था इसलिए वहाँ नहीं जा पाया था, आज मैं स्पॉट पे जाने का काम भी किए और मैंने कहा कि इस प्रकार के कार्रवाई को निश्चित तौर पर रोकना चाहिए, पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की दिशा दिखाई नहीं दे रही है, रुकने का दिखाई नहीं दे रहा है। मन में यही पीड़ा होता है कि आखिर में क्या उचित है जनप्रतिनिधि का, कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने आग्रह के बाद भी आप इतने लोगों का मकान ढाने का काम कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे और इस कार्रवाई को अविलंब रोकने की मांग करते हैं कि बर्बरतापूर्वक आप महिलाओं पर इस प्रकार से दमनकारी रवैया अपना कर करने का काम ना करें, क्योंकि घोर अन्याय है, अन्याय कभी एक बर्दाश्त सीमा होता है। संजीव जी, आप सरकार में हैं और विपक्ष की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों? ये विपक्ष पक्ष का विषय नहीं है, ये मानवीय दृष्टि से सबका है, इसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जनता का विषय है, जनता ही भगवान है हर तरह से। आपकी सरकार है, आपका विभाग है, आप MLA हैं, तो DM किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आप मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ना, कि आप उनसे ये बात जिलाधिकारी से पूछने का काम करें, आप उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछ के थक गया, मैं तो इस बात के कह रहा हूँ कि आप किनसे, मैं तो पूछ के कर रहा हूँ, कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं है कि किनके लिए हो रहा है। भाजपा के जनप्रतिनिधि ही आंदोलन राजीव नगर के विषय पर लड़ते रहे, आपसे छुपा हुआ नहीं विषय है, वो विकास के, बिजली का हो, सड़क का हो, विकास के जितने पैमाने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि अपने रहे हैं, हमसे पूर्व रहे, लोकसभा के रहे, माननीय सांसद, वो भी चिंतित होकर लगातार बात करने का काम किए हैं, संबंधित पदाधिकारी से हैदराबाद से भी बात की है, लगातार बात करने का। CM है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्या किया? आज बात करने की बात हो रही है, बात किया भी है, उसी का आधार बनाकर आज न्यायालय के अंतर्गत भी निर्णय कुछ क्षणों में क्या आने वाले हैं, वो भी आपके समक्ष आ जाएंगे। कि आखिर ये बुलडोजर किसके तरफ से चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का बुलडोजर है या बीजेपी का? आज आप जिलाधिकारी से इस विषय को पूछने का काम करें, मेरा आग्रह है व्यक्तिगत कि जिलाधिकारी से 2 प्रश्न करें, किनके लिए चिन्हित करके किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा है, उसके द्वारा है, उनसे भी आप पूछिए कि न्यायालय के द्वारा है तो कोई लिखित ऑर्डर है क्या, बतावे ना आखिर में कि है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो है उनसे पूछने का काम हो कि आखिर में किस रूप में कहाँ से करने का काम हो रहे, वो स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए।